जैसा हम मीडिया में देख रहे हैं कि बताया जा रहा है यहाँ राजनीति चल रही है, मुझे आज यहाँ पर एक भी राजनेता नजर नहीं आ रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं मीडिया में, मीडिया इनके साथ मिली हुई है। ये प्योर किसान का मंच है, किसान जवान इसमें मिले हुए हैं, मजदूर संघ मिले हुए हैं। जरूरत है, आज जरूरत है, जवान किसान का बेटा है और आपके साथ ही अन्याय हो रहा है। तो बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे लोग दुखी हैं, कैसे बोल सकती है सरकार कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है, इनका हाथ है? तो सारी सेना आतंकवादी है, ये सब गलत है। हम किसान के इस जो बिल है, इस बिल को तुरंत वापसी की मांग करते हैं, तुरंत ये वापस। सरकार कोई भी सरकार हो, ऐसे बिल को बिल्कुल पास नहीं होगी। तीसरा हमारा एक बहुत बड़ी मांग है कि जितने भी बिल बने, चाहे किसान के बिल है, बिल बने किसान के जितने संगठन है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जो भी बिल होगा किसान के संगठन के द्वारा बनना चाहिए, ये ऊपर बैठे हुए का नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आर्मी का जो भी एक्ट होता है, आर्मी के जितने संगठन है उनकी भागीदारी चाहिए, ऊपर बैठे वालों को कुछ नहीं मालूम है। आज बिपिन रावत ने जवानों का गर्दन काट रहा है, पेंशन को खत्म कर रहा है, सर्विस बढ़ा रहा है, ये सब गलत हो रहा है। आज किसान मारा जा रहा है, कल जवान मारा जाएगा, मजदूर संघ मारा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए एक उपाय है, अगर आप लोग मानेंगे तो। उपाय ये है, जितना मजदूर संघ है वो अपने जितने भी उद्योगपति हैं उसकी इंडस्ट्री में भागीदारी मांगे, सैलरी नहीं भागीदारी मांगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो भी आदमी जहां सर्विस कर रहा है छोटे, उसमें सर्विस नहीं चाहिए, भागीदारी चाहिए। आपको उद्योगपति के बराबर चलना है तब ये झुकेंगे। कोई भी मलाई होती है, मलाई की तरह मक्खन निकाल के उद्योगपति लेता है, बीच का कचरा जितना भी नेता खा लेता है और उससे बचा हुआ खराब है वो MSP 6% के रूप में किसानों को फेंक देता है। ये सब गलत हो रहा है देश में। कोई भी राजनेता है, कोई भी राजनेता, मैं किसी भी नेता के फेवर में नहीं होता हूं, किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं हूं। हमारा संघ, हमारा संगठन पूरा किसान के साथ मिलकर के जवान एक नया भारत की रचना करेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं, समय बहुत कम है। जय हिंद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। साथियों, मैं जसपाल सिंह जानी, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पंजाब प्रेसिडेंट। आज बड़ी खुशी हुई है कि 273 साल तो बाद असी लोग दोबारा जंग के मैदान में आए हैं। 200 साल इतने अंग्रेजों ने राज किया सी, ते उस टाइम भी सारे किसान मजदूरों ने मिलके गोरे अंग्रेजों को कढ़िया सी, ते जड़े काले अंग्रेज सी 274 साल हो गए जिन्होंने देश नू आजाद कराया सी। आज तुसी बड़े भाग्यशाली लोग हो, बड़े कर्मा वाले लोग हो, जड़े आज तुसी देश नू दोबारा काले अंग्रेजों की चुंगल चो छुड़ाने वास्ते आए हो। मैं सुनिया पहले स्पीचा के इस सरकार ने साडे लक दे विच जो ठुड मारिया ओ साडा कोप कढ़िया वा, ओ असी किसान वा ते किसानां दे बच्चे आ। पहले असी जय जवान सी, हुण असी जय किसान आ। असी अज तो 26 तरीक तो इत्थे आए छोटे छोटे भागां दे विच, और अज पूरे साडे नैशनल प्रेजिडेंट जो जगिंदर सिंह साहब स्पीच करके गए आ, मेरी चार स्टेटां दे प्रेजिडेंट भी इत्थे मौजूद ने, और जिन्ने भी योधे आ सारे असी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन दे इत्थे अज ऐलान करदे आ कि जद तक इह काले कानून इह सेंटर सरकार रद्द नहीं करेगी, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन दे योधे बिल्कुल इत्थे तुहाडे नाल डटे रहणगे। इना कहिंदा होया जे कुछ वध घट बोलिया गया ते अपना भराव जाण के इत्थे खिमा दा इजाजत है। ते जय जवान, जय जवान, जय जवान, इनकलाब, इनकलाब।
सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।